हेलो डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 12। तो लेक्चर नंबर 12 वी आर गोइंग टू डिस्कस वन न्यू टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। द टॉपिक इज POAC, मीनिंग इज प्रिंसिपल ऑफ एटोम कंजर्वेशन। तो टुडेज टॉपिक इज लेक्चर नंबर 12, टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन, जिसको शॉर्टकट फॉर्म बोलते हैं POAC। तो फर्स्ट लेसन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन, एंड यूजिंग दिस प्रिंसिपल हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। तो अभी तो जो हमने डिस्कस किया था, इस्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो इस्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमने जितना न्यूमेरिकल वी हैव डिस्कस, ऑल दिस न्यूमेरिकल्स आर वर बेस्ड ऑन वन केमिकल रिएक्शन। एक ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन था और उसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर देखो सारा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है। तो नाउ क्वेश्चन इज इट, व्हाट इज POAC एंड व्हेन विल यू अप्लाई दिस मेथड। तो ये कौन सा रिएक्शन के लिए है, द रिएक्शन हु इज कॉम्प्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। मानो कि एक ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो उसी रिएक्शन में हाउ विल यू कैलकुलेट द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एक्सेट्रा, हाउ विल यू कैलकुलेट। तो उसी के लिए ये POAC। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन, लेट अस टेक वन मल्टी स्टेप रिएक्शन, एग्जांपल लेते हैं। पहले हम एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन दिस एग्जांपल। एग्जांपल इज सपोज दिस कंपाउंड FeS2। ये जो कंपाउंड में जितना सल्फर एटम है, ये सल्फर एटम को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो हाउ विल यू कन्वर्ट, रिमाइंड करो इन क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्टेक्ट प्रोसेस यू हैव गॉट दिस। तो फर्स्ट इसका कंबशन, तो आफ्टर कंबशन Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये फर्दर ऑक्सीजन देके कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड दे दो, नाउ SO3 विल फॉर्म। तो ये SO3 को वाटर के साथ अगर हम शॉर्टली रिएक्ट कराएंगे, फाइनली यू विल गेट H2SO4। अभी देखो ये जो रिएक्टेंट है, तो ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट में आयरन तो ऑलरेडी रिमूव हो गया, तो जितना सल्फर एटम था, दैट सल्फर एटम को हमने क्वांटिटेटिवली वी हैव कन्वर्टेड इनटू H2SO4। अगेन लिसन, द सल्फर एटम प्रेजेंट इन FeS2, तो दिस सल्फर एटम क्वांटिटेटिवली वी हैव कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। मीनिंग इज, इनिशियली जो भी अमाउंट है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी है ऑफ दिस कंपाउंड इज गिवन टू यू, तो बाई नंबर ऑफ स्टेप्स यू हैव कन्वर्टेड ऑल द सल्फर एटम्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इन टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर सल्फर एटम जितना था सबको हमने सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कराया, तो इसी में देखो तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट must be equal to number of moles of sulfur atom present in the product। क्योंकि यहाँ जितना सल्फर था उसी को हमने सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कराया, तो ये रिएक्टेंट में जितना सल्फर था, that amount of sulfuric acid you will get। Suppose इसमें 1 मोल सल्फर था, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी 1 मोल ही फॉर्म होगा ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है तो उसी से आया है। Suppose यहाँ 2 मोल्स ऑफ सल्फर था, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो फॉर्म 2 मोल्स। If this reactant given amount contain 3 mole of sulfur atoms, then sulfuric acid must obtain 3 moles. ये POAC, तो POAC लेके सी यार based on this reaction। तो अभी हम proceed करेंगे, देखो यहाँ ये shortcut form में, ये multi-step reaction को how will you solve within one step, तो इसको हम कैसे solve करेंगे, see here।
तुम एग्जांपल के साथ मूव करते हैं. सी हियर, लेट अस टेक दिस एग्जांपल Fe S2. हम इनिशियल एंड फाइनल लिखते हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस. तो यहाँ प्रोडक्ट लिख दिया हमने H2SO4. याद रखो ये दिस इज नॉट बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दिस इज, और ये प्रोडक्ट है. तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखो, बाय 2, 3, 4 जो भी है वी डोंट नो, नंबर ऑफ रिएक्शंस वी हैव रिटन. तो नंबर ऑफ रिएक्शन से देखो, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कराया हमने. तो इन दिस रिएक्शन अगर विद इन ब्रैकेट हम लिख देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ सल्फर एटम्स, कंजर्वेशन ऑफ सल्फर एटम. तो सल्फर एटम यहाँ कंजर्व हुआ है, तो हमने नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट, मीनिंग इज यहाँ ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जितना सल्फर था उसी को हमने क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू H2SO4. सो अंडर दिस कैटेगरी हम वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट इन Fe S2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स इन H2SO4, क्योंकि सल्फर एटम कंजर्व हुआ है. तो दिस लाइन वी कैन राइट. तो नेक्स्ट लाइन बेस्ड ऑन दिस फर्दर वी कैन राइट, तो 2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe S2 इक्वल टू, मीनिंग इज सपोज n मोल्स ऑफ Fe S2, दिस कंपाउंड यू हैव टेकन Fe S2. देखो तो एक ही कंपाउंड में दो सल्फर एटम है, द 2 मोल्स ऑफ Fe S2 मीनिंग इज n मोल्स ऑफ Fe S2 इफ यू टेक, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम विल बी 2 इक्वल टू. ये सल्फ्यूरिक एसिड में देखो, एक ही मॉलिक्यूल में कितना सल्फर एटम है, 1 इनटू NH2SO4 NH2SO4 हम लिखेंगे, क्योंकि ये 1 कहां से आया है ये फॉर्मूला देखो यहां. तो एक ही मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर है, 1 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4. तो नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट 2 इनटू नंबर ऑफ मोल की जगह में वी कैन राइट दिस सेंटेंस, by molar mass of Fe S2 equal to 1 into WH2SO4 divided by MH2SO4. So this is the our final equation. So yaad rakho, initial and final will be given, meaning is reactant kya hai, product kya hai, this thing will be given. तो उसी रिएक्टेंट इनिशियल एंड फाइनल से देखो, ये दिस लाइन हाउ टू मेक दिस लाइन, दिस इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ये कैसे बनाना है, ये बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. तो अभी हम एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं, देन इट विल बी क्लियर. तो इसी मेथड के ऊपर देखो हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल. सी हियर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, देयर 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट वाज ट्रीटेड बाय ए सीरीज ऑफ रिएजेंट्स सो एज टू कन्वर्ट all the carbon atoms, C atoms into K2ZN3 FeCN whole 6, within bracket molar mass of this compound given 698, full stop. Calculate the mass of the product form. Calculate the mass of the product form. The first numerical based on this. देखो क्या बोला है, 27.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट दिया हुआ है,
और उसी 27.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट में जितना कार्बन था बाय यूजिंग ए नंबर ऑफ रिएजेंट्स, तो उसी कार्बन कंपाउंड को देखो हमने इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कराया, तो इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कराया जिसका मोलर मास गिवन है 698। बोला है आफ्टर रिएक्शन व्हाट विल बी द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, तो कम टू द सॉल्यूशन नाउ, सी हियर लिसन केयरफुली। तो ये सॉल्यूशन जो है हमेशा ऐसा सॉल्व करो, रिएक्टेंट लिखो इनिशियली रिएक्टेंट K2CO3 नंबर ऑफ रिएजेंट K2ZN3FeCN6। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम हमने X नाम दिया है, बार बार इतना फॉर्मूला तो नहीं लिखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स को हमने X से रिप्रेजेंट किया है, इनस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्पाउंड हम X लिखेंगे। तो नाउ ये इनिशियल फाइनल है, पर इनिशियल फाइनल है तो फर्स्ट थिंग देखो कैसे लिखना है, फर्स्ट कम टू द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ये फॉर्मूला देखो तो एक ही मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है, और क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी बोल के रखा है कार्बन एटम कंजर्व हो रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है तो 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड इक्वल टू, नाउ कम टू दिस कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल में देखो 12 कार्बन है, FeCN6 याद रखो एक ही मॉलिक्यूल में 12 कार्बन है, तो 12 पहले लिखो 12 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x, n सबस्क्रिप्ट x दिया है, याद रखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स x है, तो ये लिखा हमने। नेक्स्ट लाइन नाउ वी कैन राइट तो मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट WK2CO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ K2CO3 इक्वल टू 12 × मास ऑफ दिस x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ x। नेक्स्ट लाइन और थर्ड अभी वैल्यू पुट करो कि मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट गिवन 27.6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो है 138 इक्वल टू WX कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास 698 गिवन। सो नाउ इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन फाइनली यू विल गेट WX इक्वल टू 11.6 ग्राम, मीनिंग इस मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी 11.6 ग्राम। अगेन सी हियर इसको कैसे सॉल्व करना है, याद रखो सी रिएक्टेंट विल बी गिवन, प्रोडक्ट विल बी गिवन, और क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट्स दिया जाएगा जो व्हिच एटम इज गोइंग टू कंजर्व। तो ये रिएक्शन में देखो तो क्या बोला है, सो एज टू कन्वर्ट ऑल द कार्बन एटम, मीनिंग इस वो पोटेशियम कार्बोनेट में कार्बन भी है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, सिर्फ कार्बन कंजर्व हो रहा है। तो उसके बाद देखो हमने सॉल्यूशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखा है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखना है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट देखो वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, तो वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, लेट अस टेक वन मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। सेकेंड क्वेश्चन, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है देखो, going to the next page, the second question it is given 14 gram of nitrogen, question number 2, N2 is converted into 3 and NH3 is used to form a complex compound, of molecular formula. Molecular formula NH3 whole 2
SO4 within bracket molecular mass given, molecular mass equal to 227.5, full stop. Calculate the mass of the product form. Calculate the mass of the product form. Mass of the product form. The second question, एक बार ध्यान से देखो. 14 gram of nitrogen is converted into NH3 and NH3 is used to form a complex compound of molecular formula given. Sorry, ये 4 है हाँ, not 2, this is 4. Molecular mass दिया है 227.5 gram. Calculate the mass of the product form. So now come again, come to the solution. The solution, see here. Solution. The starting compound reactant कौन है? Nitrogen है. तो starting compound reagent nitrogen है. तो number of reactions लिखेंगे यहाँ. Number of reactions. Final compound CuNH3 whole 4. SO4. इसका भी नाम देखो, ये कॉम्प्लेक्स का पूरा सब फॉर्मूला हमने लिख दिया. बार बार इतना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे इंस्टेड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. तो नाउ सेकेंड लाइन हम क्या करेंगे, कौन सा एटम यहाँ कंजर्व हुआ है? नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन जो कंजर्व हुआ है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम है. The number of moles of nitrogen atoms in the reactant must be equal to number of moles of nitrogen atom in the product. तो ये एक ही मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन है, पहले टू लिखा है, into number of moles of nitrogen taken equal to. Now come to this complex. एक ही मॉलिक्यूल में देखो तो कितना नाइट्रोजन एटम है, चार नाइट्रोजन एटम है. जब एक ही मॉलिक्यूल में चार नाइट्रोजन एटम है तो 4 into number of moles of this product form NX. We can write now. और X जो है देखो ये पूरा पार्ट X नाम दिया है हमने, NX. तो next line we can write now 2 into, next line देखो 2 into the number of moles of this compound. तो ये दिया 14 gram by molecular mass 28 equal to molecular mass equal to 4 into mass of this compound form divided by molecular mass MX. MX now see here, if you calculate this one, तो यहाँ से ये दोनों मिला के 1 होने जा रहा है into 4 into WX निकलना है, molecular mass 227.5. 227.5. तो now after calculation WX equal to you will get 227.5 divided by 4 gram. 227.5 divided by 4 gram. तो ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, देन यू विल गेट 227.5 डिवाइडेड बाय 4, तो 56 इक्वल टू 56.875 ग्राम. सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. यही है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन. प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन, दो एक प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन के ऊपर इफ क्वेश्चन आस्क्स, तो मेथड यही है. तो हमने दो न्यूमेरिकल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको. एक एग्जांपल रखा था हमने, बाकी दो न्यूमेरिकल. पीओएसी के ऊपर अगर इफ कोई क्वेश्चन आस्क्स, आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो बाकी जो है रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे. तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं. ठीक है.